हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कैप्सिड के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था वायरस के इंट्रोडक्शन के बारे में, वायरसेस क्या होते हैं, इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं और जानते हैं क्या होती है कैप्सिड और क्या इसके टाइप्स होते हैं। सबसे पहले जानते हैं क्या होती है कैप्सिड। एक्चुअली कैप्सिड क्या होते हैं, लार्ज मैक्रो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि कैसे बनते हैं, जो हमारी प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन की कुछ यूनिट्स होती हैं, वो खुद ही असेंबल हो जाती है, यानी सेल्फ असेंबल हो जाती हैं, और उन्हीं से हमारा बनता है कैप्सिड। यानी कैप्सिड बनता है फ्रॉम सेल्फ असेंबलेज ऑफ फ्यू टाइप्स ऑफ प्रोटीन। जब प्रोटीन की कुछ यूनिट सेल्फ असेंबल हो जाती हैं तो उससे हमारा एक कैप्सिड बनता है, जो कि एक लार्ज मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो प्रोटीन इन कैप्सिड को बनाती हैं उनको हम प्रोटोमर्स कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन की वो यूनिट जिनसे हमारा कैप्सिड बनता है उसको हम प्रोटोमर्स कहते हैं। अब बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ कैप्सिड, कितने टाइप के हमारे कैप्सिड्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेलिकल कैप्सिड के बारे में। हेलिकल कैप्सिड कैसे होती है, एक्चुअली दीज आर शेप लाइक हॉलो ट्यूब विद प्रोटीन वॉल्स। ठीक है, तो हेलिकल कैप्सिड कैसी होती है, हमारी बिल्कुल हॉलो ट्यूब होती हैं। ठीक है, विद प्रोटीन वॉल्स। अब अगर हमें हेलिकल कैप्सिड को समझना है तो सबसे अच्छा इसका एग्जाम्पल होगा टोबैको मोजाइक वायरस। टोबैको मोजाइक वायरस के स्ट्रक्चर की हेल्प से हम हेलिकल कैप्सिड को अच्छे से समझ सकते हैं। अब टोबैको मोजाइक वायरस में क्या होता है, सेल्फ असेंबली होती है प्रोटोमर्स की इनटू अ हेलिकल और स्पाइरल अरेंजमेंट। प्रोटोमर्स एक साथ क्या हो जाते हैं, असेंबल हो जाते हैं इनटू अ स्पाइरल अरेंजमेंट टू प्रोड्यूस अ लॉन्ग रिजिड ट्यूब। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो प्रोटोमर्स होते हैं वो सेल्फ असेंबल हो जाते हैं स्पाइरली टू फॉर्म अ लॉन्ग रिजिड ट्यूब। एक रिजिड ट्यूब बना लेते हैं लंबी सी विथ 15-18 नैनोमीटर इन डायमीटर। उस ट्यूब का जो डायमीटर होता है वो होता है 15-18 नैनोमीटर, और वो बड़ी होती है यानी लंबी होती है बाय 300 नैनोमीटर। ठीक है, और ये जो हमारे एक पूरा ट्यूब बन जाती है, इसके अंदर क्या होता है, हमारा आरएनए जीनोम होता है। तो इस तरीके से हमारा स्ट्रक्चर होता है टोबैको मोजाइक वायरस का। इसमें आप देख भी सकते हैं फिगर में, बाहर की तरफ जो आप देख रहे हैं ये है हमारी कैप्सिड, हेलिकल कैप्सिड, और ये अंदर जो इसके है वो है हमारा आरएनए। ठीक है, और ये जो आप एक यूनिट देख रहे हैं ये है प्रोटोमर। इन बहुत सारे प्रोटोमर से मिलकर ये कैप्सिड बना है। ठीक है, और इसने एक लॉन्ग रिजिड स्ट्रक्चर बनाया है जिसके अंदर हमारा क्या है, आरएनए है। चलते हैं हम नेक्स्ट तरीके की कैप्सिड के तरफ, जो कि है हमारा इकोसाहेड्रल कैप्सिड। अब इकोसाहेड्रल कैप्सिड क्या होता है, हमारा जो इकोसाहेड्रल हमारी शेप होती है उसमें क्या चीज़ होती है, रेगुलर पॉलीहेड्रॉन होता है ये, जिसमें कि 20 इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं। ये शेप जो होती है इसकी अपनी ही एक ज्योमेट्री होती है, जिसमें कि 20 इक्विलेटरल ट्रायंगुलर फेसेस होते हैं और 12 वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, ये नेचर की वन ऑफ द फेवरेट शेप है। ठीक है, नेचर की ये फेवरेट शेप है क्योंकि यहाँ पर जो जेनेटिक मटेरियल है वो एफिशिएंटली पैक हो जाता है। एक छोटे से एरिया में काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं अच्छी तरीके से जो है हमारा जेनेटिक मटेरियल पैक हो जाता है, और ये नेचर की एक फेवरेट शेप है। अगर हम इसके बारे में और बात करें, जो इकोसाहेड्रल शेप होती है वो मोस्ट एफिशिएंट होती है। कुछ जीन्स या फिर कभी कभी एक जीन भी कोड करता है इसकी प्रोटीन के लिए। अब जो प्रोटीन्स होती हैं ये सेल्फ असेंबल होकर हमारा ये कैप्सिड बनाती हैं। अब ये जो कैप्सिड बनता है तो ये बनता है हमारा रिंग या नॉब शेप की यूनिट से। ठीक है, प्रोटीन की यूनिट्स होती हैं रिंग या नॉब शेप, उन यूनिट्स को हम लोग कैप्सोमर बोलते हैं, और कैप्सोमर से मिलकर हमारी कैप्सिड बनती है। ठीक है, ये हम बात कर रहे हैं इकोसाहेड्रल कैप्सिड के बारे में। यहाँ पर प्रोटीन की यूनिट्स होती हैं जो या तो रिंग शेप की होंगी या फिर नॉब शेप की होंगी, और ये इन यूनिट्स को हम लोग कैप्सोमर बोलते हैं, और इन कैप्सोमर से मिलकर हमारा कैप्सिड बनता है। ये जो हमारा एक कैप्सोमर होता है ये कम से कम 5 से 6 प्रोटोमर से मिलकर बनता है। तो अब आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि प्रोटोमर क्या होता है। प्रोटोमर प्रोटीन्स होती हैं जिनसे हमारा कैप्सिड बनता है कोई भी। अब अगर हम इकोसाहेड्रल की बात करें तो इकोसाहेड्रल जो हमारी ज्योमेट्री होती है उसमें क्या होता है, 5 to 6 प्रोटोमर्स मिलकर एक यूनिट बनाते हैं जिसको हम कैप्सोमर कहते हैं, और फिर ये कैप्सोमर एक साथ असेंबल होकर हमारा कैप्सिड बनाते हैं। ठीक है, इस तरीके से बनती है हमारी इकोसाहेड्रल कैप्सिड। यहाँ पे आप इमेज में भी देख सकते हैं, ये है हमारी इकोसाहेड्रल कैप्सिड। इस तरीके से यहाँ पर ट्रायंगुलर फेसेस आपको देखने को मिलते हैं, वर्टिसेस भी आपको देखने को मिलते हैं। ये हमारी इकोसाहेड्रल की कैप्सिड होती है, और अंदर इसके क्या होता है, हमारा डीएनए आरएनए जो भी जेनेटिक मटीरियल है वो होता है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट शेप पर, जो कि है हमारी कॉम्प्लेक्स सिमेट्री।
तो कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो कि ना तो इकोसाहेड्रल कैप्सिड कंटेन करते हैं और ना ही कंटेन करते हैं हेलिकल वाली। उनके पास जो भी कैप्सिड होती है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक की होती है। तो जो हमारे पॉक्स वायरसेस होते हैं और लार्ज बैक्टीरियोफेजेस होते हैं, हम कह सकते हैं कि वो एक अच्छा एग्जाम्पल है इस कैटेगरी का। जो पॉक्स वायरसेस होते हैं वो लार्जेस्ट एनिमल वायरसेस होते हैं और उनकी हेल्प से हम समझेंगे कॉम्प्लेक्स सिमेट्री को। तो इनकी जो सिमेट्री होती है कॉम्प्लेक्स होती है इनकी कैप्सिड की। ऐसा क्यों? क्योंकि जो इनका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो भी कॉम्प्लेक्स होता है और जो बाहर का स्ट्रक्चर होता है वो या तो ओवॉइड होता है या ब्रिक शेप का होता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ना तो हेलिकल है और ना ही इकोसाहेड्रल है, ये कुछ अलग ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो ऊपर वाला है ये है हमारा आउटर एनवलप, ये जो अंदर वाला है ये हमारी कोर मेम्ब्रेन है और इसके अंदर हमारी न्यूक्लिक एसिड है। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये हमारा वैक्सीनिया वायरस का स्ट्रक्चर है जो कि एक टाइप है पॉक्स वायरस का। ठीक है, तो वैक्सीनिया वायरस का ये स्ट्रक्चर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कैप्सिड की कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारा डिस्कशन हो जाता है टाइप्स ऑफ कैप्सिड के बारे में। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें।